स्वागत है सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भाई पेपर लीक हो गया, सबको पता है। मतलब जैसे भर्ती आई थी तो हर एक बच्चा, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी के मन में यही था कि यार भर्ती आ गई है, ठीक है भर्ती आ गई तो कोई बच्चा 60,000 बच्चा, 60,244 बच्चा भी सेलेक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचा गया था कि लीक होगा, ठीक है। बाकी विवेक सर हैं, अंकित भाटी सर हैं, रवि तिवारी सर हैं, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन पढ़ाई में इतना मन नहीं लग रहा होगा ना, हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें भी नहीं कुछ हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप माना कि आप कर क्या सकते हो, बस ट्विटर पर जाके आप ट्वीट करते रहो बस, ठीक है। ट्वीट करते रहो, ट्विटर पर जाके रीट्वीट करते रहो बस, यही। अगर ट्विटर मतलब नहीं जान रहे हो कि कैसे करना है क्या नहीं करना, तो एक बार देख लो वीडियो कैसे डाउनलोड करें और कैसे रीट्वीट करें, कर सकते हो आराम से। उसके बाद आगे देखो, आगे आपका ये है, आप मतलब ये नहीं कि अब इस टाइम पे ऐसा है जो बंदा मतलब इस टाइम पर भी पढ़ रहा होगा, ठीक है, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए उसके फ़ायदेमंद होगा। अब जैसे हम माना कि मान रहे हैं कि नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, तो फिलहाल क्या एक दो दिन मतलब भूल जाओ सब कुछ, लेकिन आप फिर से शुरू कर दो अपना। फिर से क्या शुरू करना है, जैसे रेलवे का, ग्रुप डी का और RPF का, TT का, इनका सबका उसने बताया कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब पेपर होगा, सब कुछ दे रखा पहले से। उसका अग्निवीर का जिनका हाइट है और वो मतलब उनका अगर एज है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी अगर पेट दे रखा है उन्होंने 23 वाला, अगर कुछ नंबर उसमें 30 से ऊपर उसमें अगर क्वेश्चन उनके सही हैं तो वो मतलब लेखपाल वाला आगे दे सकते हैं एग्ज़ाम। और अगर मतलब नहीं है उसमें, अच्छे नंबर नहीं है, तो आप भैया पेट वाला 24 वाली तैयारी करो आराम से, 24 वाला। अब आपको लगेगा यार पेट, ये तो पेट ऐसे करवाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको लगता है, लेकिन पेट में ये है कि आप मान के चलो अगर इसकी तैयारी करते हो इसमें आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो हर साल इसमें एक ना एक वैकेंसी कोई ना कोई आती है, तो उसमें अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ में आ जाते हो, तो कट ऑफ में आने का मतलब है कि आपको मेंस देने को मिलेगा। और मेंस अगर देने को मिलेगा तो सिंपल सा ये रहता है, उसमें मेंस में कंपटीशन कम हो जाता है। जैसे माना कि अगर लेखपाल की जस्ट बता रहे हैं कि 4,000 या 4,700 या 6,000, मान के चलो 6,000 पद आ गए, तो 6,000 का 30 गुना मान के चलो बुलाएंगे, तो 36,18 मतलब 1,80,000 लोग बुलाए जाएंगे। अब वही मान के चलो अगर यूपी पुलिस का देखो, यूपी पुलिस में मान के चलो आपके जो स्टूडेंट 50,00,000 तक गए, और यही इसमें लेखपाल में अब जो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे 1,80,000, बस कंपटीशन कम हो गया, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो आपके चांसेस हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हमारी मतलब इतनी जल्दी नौकरी लग जाएगी, तो भाई ये मुश्किल है। और दूसरा ये भी है, मतलब अगर जो कल मतलब अंकित भाटी सर ये लोग अगर चला रहे हैं तो उसमें अगर पहुँच सकते हो तो पहुँचो वहाँ पर। और भैया लेकिन अपना ख्याल रखना, ठीक है, मतलब या लाठी चार्ज या कुछ भी होता है तो अपना ख्याल रखो। बाकी तो एग्ज़ाम तो ऐसे दूसरा भी आएगा, आगे लीक भी होंगे, क्या नहीं होगा वो तो कोई नहीं देखा है, लेकिन अपनी तैयारी इतनी रखो कि हाँ मतलब, और दूसरा अपना मतलब ख्याल भी रखो कि हाँ कुछ नुकसान ना होने पाए, बस बस यही कहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।